तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कटपाड़ी जंक्शन जो कि भेल्लोर में आता है और भेल्लोर का सिटी आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ का फेमस हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, साथ साथ में यहाँ पे IIT विश्वविद्यालय और CSC अस्पताल कैसे जा पाएंगे, इन सभी चीजों पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपको बता दें कि भेल्लोर के सबसे व्यस्त ट्रेन स्टेशनों में से एक स्टेशन जो कि जंक्शन है, कटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड की बात करें, जब कभी भी आप यहाँ पे उपलब्ध होते हैं तो BKPD जब भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। जो कि ये आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे जो है भेल्लोर पड़ता है, भेल्लोर सिटी पड़ता है। और कटपाड़ी जंक्शन देख सकते हैं, बाहर के दृश्य अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में है और काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या यहाँ पे होती है, अलग अलग लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और ये देखिए, बाहर ही आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म है, 9 ट्रैक बनाए गए हैं, साथ साथ में पार्किंग की व्यवस्था 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों को आप यहां पे पार्क कर सकते हैं। अगर इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पे आपको बता दें कि 259 से भी ज्यादा ट्रेनें हर रोज यहां से गुजरती है। तमिलनाडु के सबसे वेस्ट ट्रेन स्टेशन में से एक माना जाता है। जैसे ही आप जंक्शन जाएंगे, सबसे पहले इन करने के बाद टिकट ले सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप खड़े हो सकते हैं। पटरिया की बात करें तो ट्रैक जो है 9 है और प्लेटफॉर्म 5 प्लेटफॉर्म यहाँ पे है जो कि चालू है, और 5 प्लेटफॉर्म में अलग अलग गाड़ियां आती है। अभी हम 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं सारी जानकारियां, खाने पीने की सुविधा सब कुछ मिल जाएगा जब यहाँ से ट्रेन से आप ट्रैवल करेंगे। तो ये तमिलनाडु का, चेन्नई का, पूरी तरीके से आप भेल्लोर का ये सिटी घूम सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, पीछे के लोकेशन में देखें तो राउंड किया हुआ ये पटरी है जो कि एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि कटपाड़ी रेलवे स्टेशन प्रमुख यात्री जो यहाँ से चलते हैं वो स्वर्ण मंदिर और साथ साथ में CSC अस्पताल या BIT विश्वविद्यालय जाना, इन सभी जगह के लिए लगभग 18,000 यात्रियों जो है वो रोज यहां से ट्रैवल करते हैं। 259 ट्रेनें यहां पे रुकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े जंक्शन है। हालांकि 5 ही प्लेटफॉर्म है लेकिन जंक्शन बहुत ही बड़ा है, एस्केलेटर लगाया गया, साथ साथ में पैदल भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं जो कि इस तरीके से आपको मिलेगा। तो भेल्लोर का जब कभी भी आप प्लान करते हैं तो इस कटपाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हमने बताया आपको, यहां पे आप जो है टिकट बना के और यहां पे KPD जब भी आप सर्च करेंगे तो, और यहां पे टिकट बना के यहां पे उतर सकते हैं, देन यहां से आप भेल्लोर वगैरह जा सकते हैं। तो काफ़ी गाड़ियां, काफ़ी ट्रेनें, 259 ट्रेनें यहां पे रुकती हैं, तो सभी ट्रेनें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एक जो है देख सकते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लिए ओवरब्रिज भी बनाया गया, जो कि ओवरब्रिज के माध्यम से भी आप जा सकते हैं आराम से, कम्फर्ट होके, कोई दिक्कत नहीं होगी। होटल की सुविधा की बात करें तो यहाँ पर स्टेशन के बगल में ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं जो कि 500 से लेकर 5000 तक, जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप होटल ले सकते हैं। अगर आपको इसके नियरेस्ट में नहीं चाहिए तो दूर में भी आप होटल ले सकते हैं जो कि कम रेंज में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ हॉस्पिटल जो है यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि ये जितने भी ऑटो लगी हुई है ये ऑटो आपको ले जाएगी, बाहर में आपको ऑटो मिल जाएगा। ये बाहर का लोकेशन देखिए, यहाँ से ऑटो और टैक्सी जो है किराया पे आप कर सकते हैं, ऑटो जो है वो शेयरिंग में या फिर रेंट पे आप लेके जा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट यहाँ से हॉस्पिटल आपको ले जाया जाएगा। भेल्लोर का सबसे बड़े हॉस्पिटल और फेमस अस्पतालों में से एक माना जाता है भेल्लोर का, तो भेल्लोर का जब भी आप दिखाने के लिए जाते हैं तो इसी स्टेशन में आप उतरें, देन यहाँ से आप जा सकते हैं और ये पूरा सिटी को आप कवर कर सकते हैं, जो कि कटपाड़ी जंक्शन बिल्कुल सिटी में मौजूद है। यहाँ से 9 किलोमीटर बहुत ही कम है, जो कि बस की सुविधा या फिर ऑटो आप लेके जा सकते हैं। होटल आपको जो है वहाँ पे हॉस्पिटल के बगल में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे तमिल भाषा ज़्यादा यूज किया जाता है तो तमिल आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपके पास तमिल नहीं है तो आप जो है हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो CMC जो हॉस्पिटल है वो और BIT यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो है कवर किया गया है, जस्ट यहाँ से बगल में ही है तो यहाँ से ज़्यादा दूर आपको नहीं पड़ेगा। साथ साथ में चेन्नई मैसूर या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेनें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा जब कभी भी आप जाते हैं। प्लेटफॉर्म 1 और 2 जो है वो प्राइमरी यूज किया जाता है ट्रेन के लिए, चेन्नई बेंगलोर के लिए या तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं तो, और 3 और 4 और 5 जो है वो तिरुपति और भेल्लोर कैंट जाना चाहते हैं तो उनके लिए यूज किया जाता है। बाकी बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पे रुकती है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये भेल्लोर में पड़ता है तमिलनाडु, जो कि तमिल में यहाँ पे लैंग्वेज भी यूज किया जाता है। और रात्रि को अगर हम दिखाना चाहें तो रात्रि को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि शाम जब हो जाती है तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लाइटिंग वगैरह जल जाता है। तो आप 12 बजे रात पहुँचे, दिन में पहुँचे, कभी भी पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ियाँ आपको हमेशा मिल जाएंगी, खाने पीने की सुविधा सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, होटल है, साथ साथ में प्लेटफॉर्म में बहुत सारे दुकानें हैं, वहाँ
पे भी आप खा सकते हैं। ट्रेन जब आती है तब आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएंगी, क्योंकि ये बीजी और सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। ये रात्रि में देख सकते हैं प्लेटफॉर्म में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप रात को भी पहुँचे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रेनें वगैरह आपको मिल जाएंगी, क्योंकि रात को भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या रहती है। चारों तरफ अगर आप देखें तो लोगों की जनसंख्या ही जनसंख्या है। तो ये पूरा जानकारी था चेन्नई बेंगलोर का, कैसे आप जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। आशा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ का हॉस्पिटल के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ से उतरना है देन यहाँ से आपको हॉस्पिटल चले जाना। रेड लाइट एरिया की बात करें तो यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा, उसका भी जानकारी आपको यहाँ के लोकल लोग आपको दे देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छे यहाँ पे लोग भी हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं होगी। खाना पीना आपको सुविधा जो है वो भी कम रेट में आपको मिल जाएगा, कोई ज़्यादा महंगा है नहीं। तमिल जो है यहाँ तमिलनाडु का जो लोकल फूड है वो अभी आपको खिलाया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।